रिलेशन, ठीक है, रिलेशन है बिटवीन फेज, फेज या फेज डिफरेंस बोलते हैं, एक ही बात है, एंड पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस या पाथ भी बोलते हैं, एक ही बात है। देखो जब मैं बोलता हूं एक वेव है, ये एक वेव है, ये वेव ने फेज कितना कवर किया एक वेव के अंदर, 2 पाई, तो पाथ कितना कवर किया, लैम्डा। तो ये मैं लिख लेता हूं, ये क्या है इसका फेज और ये क्या है इसका पाथ, कोई डाउट इसमें, सही है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज करो अगर आपके पास फेज पाथ डिफरेंस, या ऐसे लिखते हैं, अगर आपके पास पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई, है ना, ऐसे लिख लेता हूं, अगर पाथ लैम्डा है तो फेज 2 पाई, अगर पाथ 1 है तो फेज कितना है, 2 पाई बाय लैम्डा, और अगर कहीं वेव ने पाथ कवर कर लिया x तो फेज कितने, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, यही बने। तो बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है फेज डिफरेंस या फेज डिफरेंस या फेज इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला अगर आपने लिखना है तो आप अपने फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर सकते हैं। तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो इस पे कुछ ऐसे आएगा क्वेश्चन कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो क्वेश्चन आएगा कि इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 फाइंड फेज डिफरेंस। तो बोलो आंसर क्या आएगा, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस की जगह क्या पुट करेंगे, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, आंसर क्या आ गया, पाई रेडियंस। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आएगा। अच्छा फिर देखें, अगर मान लो क्वेश्चन आता है इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 6, तो बोलो फेज डिफरेंस क्या आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा, बोलो फेज डिफरेंस यहां पे क्या पुट करें, लैम्डा बाय 6 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय 3, कोई डाउट इसमें, सही है, ठीक है। उल्टा भी ट्रू है, अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं आपको अब सपोज एग्जांपल, इफ फेज डिफरेंस इज मान लो पाई, तो फाइंड पाथ डिफरेंस, तो क्या करें, तो फेज डिफरेंस को ना इनटू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस को कई बुक्स लिखती हैं डेल्टा फाई, 2 पाई बाय लैम्डा, और पाथ डिफरेंस को लिखती हैं डेल्टा एक्स, एक ही बात है, सिंपल है इसका। तो आपको इस क्या गिवन है, इसमें फेज डिफरेंस, तो क्या गिवन है, पाई, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, तो इसमें पाई से पाई कैंसल, तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, लैम्डा बाय 2। तो एक बात तो पक्की है, अगर आपको किसी भी वेव का फेज डिफरेंस गिवन है तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस गिवन है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, कोई डाउट इसमें, ऐसा किताबें करती हैं, मैं तो इतना करता ही नहीं, एक सेकेंड में बिना पेन को हाथ लगाए आंसर भूल लें, हमने बता दिया, बुक में ऐसा लिखा होता है। हम ऐसा करेंगे, हम इसके अंदर एक चीज याद रखेंगे, फेज डिफरेंस 2 पाई का मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा, मन में याद रखेंगे, क्लियर है, या फिर पाई का मतलब लैम्डा बाय 2, इसको भी 2 से डिवाइड करो और इसको भी 2 से डिवाइड करो, एक ही बात है,
क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन आएगा इफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज 2π/3 तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? पता है क्या करना है? रिप्लेसमेंट, 2π/3। बोलो पाई को किससे रिप्लेस करें? लैम्डा बाय 2 आंसर, लैम्डा बाय 3 आंसर होगी रिप्लेसमेंट। अच्छा और ये देखो, जैसे फेज डिफरेंस मान लो 5π/3 तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? रिप्लेस करो पाई का मतलब लैम्डा बाय 2 आंसर हो गया। कोई फॉर्मूला फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, आंसर ये ज्यादा अच्छा है। फॉर्मूला वैसे कहीं ना कहीं काम आ भी जाएगा, संभाल के रख लो उसे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? उल्टा देखो, उल्टा देखो, इफ पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस गिवन है कितना? 5λ/2 तो फेज डिफरेंस क्या होगा? कुछ ना करो, लैम्डा का मतलब रिप्लेस करो, क्या होता है? 2π, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 5π रेडियंस, डन हो गया। कहीं पर भी अगर ये दिख जाए लैम्डा की जगह 2π और पाई की जगह λ/2 रिप्लेस करो, अपने आप कन्वर्जन हो जाएगी, बात ही खत्म हो गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये इसमें नहीं यूज होगा, ये प्लस टू तक भी यूज होगा। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाई को लैम्डा, लैम्डा को पाई, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं करता रहूंगा इसे अपने असाइनमेंट के अंदर भी, ठीक है। और मैंने ये ऑलरेडी लिखा भी हुआ है आपकी बुक में, एक तो ये फॉर्मूला लिख दिया, फिर मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 है, पर लेकिन किया मैं लंबे तरीके से है, आप छोटे से कर लो। लैम्डा बाई 2 का लैम्डा का मतलब 2π, 2π बाई 2 क्या होता है? पाई। जैसे पाई बाई 2, पाई का मतलब क्या होता है? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 बाई 2 क्या होता है? लैम्डा बाई 4, उल्टा भी आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?